बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम अलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सबको अपनी अमान में रखे। होपफुली आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं। तो आज हम बनाने जा रहे हैं क्रिस्पी फ्रिटर्स विद वेजेस कॉम्बो, सब्जियों वाले पकौड़े। तो इसके लिए हमें जो इन्ग्रीडियंट्स चाहिए, 8 हरी मिर्चें चॉप की हुई, 1 टेबलस्पून लहसुन का पेस्ट, 2 मीडियम साइज शिमला मिर्च बारीक लंबी कटी हुई, 1 बैंगन बारीक लंबा कटा हुआ, 1 छोटा फूल बंद गोभी बारीक कटी हुई, 1 पाव बेसन, आधा किलो आलू बारीक लंबे कटे हुए, 1.5 मुट्ठी पालक, 1 मीडियम साइज प्याज बारीक लंबा कटा हुआ, मिक्स मसाला 1 टीस्पून, ज़ीरा 1/2 टीस्पून, चिली फ्लेक्स या दड़ा मिर्च 1 टीस्पून, अजवाइन 1/2 टीस्पून, कलवंजी 1/2 टीस्पून, नमक हसबे जायका, यहाँ हमने 1 टीस्पून लिया है। ये सारे मसाला जात घर के पिसे हुए हैं। इसके अलावा हमने 2 टेबलस्पून देसी घी बनाने के बाद जो लेफ़्ट ओवर होता है वो यूज़ किया है। इसका फ्लेवर बहुत ही मज़े का होता है और हर सालन में इस्तेमाल हो सकता है। ये टोटली ऑप्शनल है। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप 2 टेबलस्पून योगर्ट भी ऐड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले पालक डालेंगे, बंद गोभी और बैंगन डालेंगे, आलू डालेंगे, प्याज और शिमला मिर्च डालेंगे, लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे, बेसन डालेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा पानी डालेंगे और अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा और पानी डालेंगे। इसके बाद नमक, चॉप्ड हरी मिर्चें और सारे मसाला जार डालकर मिक्स कर लेंगे। फिर देसी घी का लेफ्ट ओवर डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मीडियम हीट पे ऑयल को अच्छी तरह से गर्म करें और जब इसमें बबल्स बनने लगें तो पकोड़े फ्राई करने के लिए डालना शुरू करें। तो व्यूअर्स, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। सो व्यूअर्स, हमारे मज़ेदार से क्रिस्पी पकोड़े तैयार हो चुके हैं। तो आप इस यूनिक और मज़ेदार सी रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और हमें अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। सो व्यूअर्स, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर करें और हम अब मिलते हैं दोबारा एक नई वीडियो के साथ। तब तक अल्लाह हाफिज़। सब अपना बहुत ख्याल रखिएगा।